वो अथवा उस पे लगाएंगे कवर। हेलो दोस्तों, आकाश नर्सिंग एकेडमी की तरह से नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीशू का पार्ट नंबर 2। तो कल मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि टीशू का क्या फीचर होती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सारा चीज़ मैंने वो कल के लेक्चर पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर दिया हो। तो उम्मीद की होंगे वो वीडियो अच्छी लगी होगी। उसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो, ये टीशू का पार्ट नंबर 2 है और मैं टीशू के बाद बताऊंगा कि टीशू जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं और वो बनकर क्या बनाते हैं, ये सारा चीज़ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे टीशू। तो एक्चुअली में चैप्टर का नाम टीशू है, तो हमें टीशू को पढ़ाने से पहले हमें कुछ जनरल पॉइंट जानना था। तो इसी जनरल पॉइंट को जानने से पहले हमें कुछ सेल्स, टीशू, आर्गन, आर्गन बॉडी, आर्गन सिस्टम और बॉडी के बारे में जानना है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया ना कि सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है ना जी। सेल्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है और ये हमारे बॉडी को संरचनात्मक और क्रियात्मक फंक्शन का रोल करती है। मैंने ये चीज डिस्कस किया था ना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज ए सेल्स, तो आप बताइएगा कि सेल इज ए स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट्स है या मॉलिक्यूल्स है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की तरह काम करती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब यह हुआ है कि हमारी ये बॉडी जो है ना सेल से ही बनी हुई है। मतलब सेल से मतलब कि यह हुआ कि हमारी जो बॉडी की ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से। तो इसीलिए हम सेल्स को स्ट्रक्चरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब कि जो भी आपको ढांचा प्रदान मिला है वो किसके कारण मिला है, सेल्स के कारण मिला है। और साथ में मैं फंक्शनल भी बोल रहा हूँ कि सेल्स हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी का। तो फंक्शनल का मतलब यह हुआ कि स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ढांचा प्रदान करने के साथ साथ उस ढांचा से आपके बॉडी को वर्क भी कराती है। इसका मतलब यह हुआ सजी कि ये जो सेल्स है ना ये सेल्स हमारे शरीर को संरचना प्रदान करती है और साथ में हमारे हमारे बॉडी को वर्क भी कराती है इसी सेल से। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इससे वर्क भी होता है? एग्जांपल दिखाऊं, ये मेरा हैंड है ना, ये हैंड है, एक आर्गन्स है ना, तो आर्गन्स है, तो ये बताओ ये किससे मिलकर बने हैं? पहले आर्गन्स है तो टीशू से बने होंगे और टीशू बहुत सारे सेल से बने। एक्चुअली में अगर यूनिट देखा जाए तो सेल ही है ना। तो ये सेल से ये जो संरचना आपको मिली है तो ये स्ट्रक्चरली हुआ। क्या हुआ? स्ट्रक्चरली मतलब कि हमें सेल्स क्या प्रदान किया है, एक ढांचा प्रदान किया और इस सेल्स, इस ढांचा से या इस आर्गन से हम अपने जो भी वर्क रहता है, खाना खाना या किसी को थप्पड़ मारना, ये सारा वर्क हम इसी हाथ से करते हैं ना। तो इसी से क्रिया भी किए और इसी से ढांचा भी प्रदान हुआ। तो सेल्स हमारी दोनों क्रिया संपन्न कर रही है, साथ में स्ट्रक्चरल साथ में फंक्शनल। इसीलिए अगर आपको कहीं भी बोलना है कि व्हाट इज ए सेल, तो आप बताइएगा कि सेल्स हमारी बॉडी के सबसे छोटी इकाई है और यह हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है। समझ में आया? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें टीशू की तो टीशू का परिभाषा मैंने कल बहुत अच्छे तरीका से आपको बताया, ग्रुप ऑफ सेल्स को टीशू बोलते हैं। कौन कौन सही है? ये लिविंग सेल। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? ये मेरी बात से कोई सहमत है? ग्रुप ऑफ सेल्स को टीशू बोलते हैं। कौन कौन सहमत है, हाथ ऊपर करें। पागल सब कहीं का। ग्रुप ऑफ सेल्स को टीशू नहीं बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स को टीशू बोलते हैं। अगर आप हमारे
वीडियो को कल जो मैंने लेक्चर दिया था पार्ट नंबर 1, अगर हमारे वीडियो को नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख लीजिए ना। तो देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स को ये नॉर्मली आपको फीडबैक पीछे वाले क्लासेस में जब आप 8, 9, 10 में पढ़ते थे तब ये बताया जाता था, ताकि आपका उस समय जो आईक्यू लेवल था उस समय से उसी लेवल से बता दिया जाता था। तो सभी ग्रुप ऑफ सेल्स जो होना चाहिए ना वो लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग नॉन लिविंग नहीं तो टिशू बोलू नहीं, वो तो मर गया खुदे वैसे। तो टिशू का मतलब होता है वो लिविंग होना चाहिए ना, जो भी सेल्स उसमें है वो कैसे होना चाहिए, लिविंग होना, और साथ में उनके अंदर एक इंटरसेलुलर मटेरियल भी होना चाहिए, और इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ साथ स्पेसिफिक फंक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाक है ना, तो नाक है तो ये हमारी एक मान लीजिए टिश्यू से एक आर्गन बनाना, तो आर्गन किससे मिलकर बना होता है टिश्यू से, और टिश्यू किससे बना है सेल से। तो देखो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है सूंघना ना, इसका एक स्पेशल फंक्शन बता गया है ना कि भाई तुम्हारा ये काम है तुम ये करना, इनका काम ये है तुम ये करना। तो टिश्यू का मतलब ये हुआ ना कि ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स को क्या बोलेंगे टिश्यू, और साथ में उनके सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर मटेरियल होना चाहिए ना, और उनके एक स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए। आप मैंने उस वीडियो में आपको उसका जो भी प्रिंसिपल जो भी परिभाषा है उसमें हम आपको डिस्कस किए हैं, आप देख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि टर्म ऑफ प्लांट टिश्यू, कुछ हम टर्म आपको पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर दिया था बहुत अच्छे तरीका से, कई टर्म थे ना, वो टर्म आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि टिश्यू का खोज किसने किया था, सबसे पहले टर्म किसने दिया था, टिश्यू के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, टिश्यू के कैंसर को क्या बोलते हैं, या टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये सारा चीज मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये डिस्कस कर दिया। तो इसमें केवल कुछ टर्म पॉइंट है, जैसे कि टिश्यू पार्ट नंबर 2 में कि टर्म ऑफ प्लांट टिश्यू, सर जी अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में भी तो यही प्रोसेस होता है ना कि सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं ना। तो प्लांट में कहा है कि टर्म ऑफ प्लांट टिश्यू इज गिवन बाय, अगर पौधों में सर जी सबसे पहले टिश्यू के टर्म दे रहा है तो एंड ग्रीव्स आप थे, वो सबसे पहले प्लांट में भी बताए थे कि प्लांट में भी टिश्यू होता है ना, जो टिश्यू था उनको टर्म नाम दे दिए प्लांट में। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, अगर एनाटॉमिकल अगर हम अध्ययन करें टिश्यू के बारे में तो सबसे पहले मार्सेलो मार्पीजी साहब ने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर टिश्यू के बारे में देखे थे, जो टिश्यू है ना उसको काट कर उसके एनाटॉमिकल डाइसेक्शन के बारे में अध्ययन सबसे पहले कौन किया था, मार्सेलो मार्पीजी। जैसे कि आप एक डीएमएलटी के स्टूडेंट हैं, आपका मेन फंक्शन होता है कोई भी सेल्स लेते हैं डाइसेक्शन करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं, यही करते हैं ना। अगर आपको टिश्यू के बारे में देखना है तो आप सबसे पहले आप प्लांट का कोई पार्ट काटेंगे और उसको एक स्लीस पतला सा लेयर बनाएंगे, एक स्लाइड बना पतली सी मेम्ब्रेन बनाएंगे और उसको सेट करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे, यही करेंगे ना। तो ये सबसे पहले ये मार्सेलो मार्पीजी साहब ने सबसे पहले एनाटॉमिकल माइक्रोस्कोपिक उसको देखा था, किसको टिश्यू को, किसमें प्लांट में ना, समझ में आया ये पॉइंट ना। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें, सर जी ये टिश्यू तो हमको क्लियर हो गया, क्या टिश्यू भी कुछ पार्ट बनाते हैं, हाँ बनाते हैं। देखिए बहुत सारे टिश्यू जब आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो क्या बनाते हैं आर्गन। देखिए हमारी बॉडी की जो ओरिजिन हुई है सब मॉलिक्यूल से हुई है ना, सब मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन किया है तो सेल्स बनाया है, जब सेल्स जब बहुत सारे कंबाइन किए हैं तो टिश्यू बनाया है, जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन किए हैं तो क्या बनाया है ऑर्गन्स बनाया है, और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन किए हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाया है, ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन किया है तो क्या बनाया है बॉडी।
जो हमारा ये ढांचा दिख रहा है, ऐसे हमारी बॉडी की ओरिजिन हुई है। समझ आ रहा है? तो चलिए हम बात करते हैं आर्गन सिस्टम की। तो आर्गन सिस्टम देखिए बोल रहा, अच्छा यहाँ पे ना आर्गन की बात करें ना, सॉरी, तो आर्गन अगर बात करें कि आर्गन से जो होता क्या है, तो वैसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, अगर किसी को बहकाना है ना, किसी को बुलवाना है ना, छोटे बच्चों बच्चों को, तो आप ऐसे नॉर्मली बोल दीजिए ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे, आर्गन। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट हुआ है, कोई सामने पर्सन अच्छा टीचर है, अगर आपको ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। तो देखिए क्या है कि व्हेन द होल टाइप ऑफ टिश्यू अरेंज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैंटर्ड देन फॉर्म इन आर्गन। कह रहा है ना कि व्हेन द होल टाइप ऑफ टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू, जितने जितने टिश्यू होते हैं, जितने टिश्यू होते हैं वो अरेंज इन ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन का मतलब यह हुआ ना कि ये नहीं कि मान लीजिए इस सेल, इस आर्गन्स को बनाने के लिए हमें टिश्यू की कम से कम 100 टिश्यू की जरूरत पड़ी, हाँ ना, 100 टिश्यू, अगर इसमें तू 200 टिश्यू लिया देगा तो क्या ही आर्गन बन जाएगी? नहीं बन जाएगी, आर्गन ना बनी, लेकिन एक सही सेप साइज का नहीं बनी। समझ आया था? देखती हो कहीं कैंसर उन्सर का कैसे सुनी है, उसमें सेल्स की अमाउंट बढ़ने लगती है ना, सेल की अमाउंट बढ़ने लगती है। तो क्या होता है कि सेल की जब अमाउंट बढ़ने लगती है तो या तो साइज घट जाता है या तो बढ़ जाता है, यही केसेज होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन मतलब सही मात्रा में टिश्यू भी होना चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने ही टिश्यू की फॉर्मेशन करे, उतने ही आर्गन्स की निर्माण करे। मतलब कि ये कहने का मतलब मेरा ये सही पॉइंट है कि व्हेन द होल टाइप ऑफ टिश्यू अरेंजिंग, जितने भी टिश्यू आपस में, जब होल टाइप ऑफ टिश्यू मतलब जितने टिश्यू जो होते हैं आपस में अरेंज होते हैं, जुड़ते हैं विद स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, एक सही मात्रा में, क्या होगा, एक सही मात्रा में जब बहुत सारे टिश्यू आपस में अरेंज होते हैं तो एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उस नए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ये पॉइंट नहीं समझ में आया? ये स्पेसिफिक प्रोपोर्शन का मतलब यह हुआ कि एक सही क्वांटिटी में अगर आप अधिक टिश्यू को उसमें डाल देंगे तो आपकी जो भी सेप साइज रहेगा वो चेंज हो जाएगा ना जी। जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा मेरा हाथ है, अगर टिश्यू इसमें बढ़ा दिए तो इतना बड़ा हो जाएगा ना, कैमरा के उस पार चला जाएगा, हो जाएगा ऐसा किसे ना। तो यहाँ पे भी वही यही चीजें को बोला कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ना, तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें जैसे कि एग्जांपल में सर जी कोई आर्गन्स का एग्जांपल बता सकते हैं, तो आर्गन्स का जो एग्जांपल होता है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे आर्गन है, जैसे कि लीवर, किडनी,